यहाँ पे सुबह में व्लॉग स्टार्ट हो रहा है खाना बनाने से। यहाँ पे मैं आलू और गोभी को फ्राई कर रही हूँ और आज इसका सब्जी बनेगा। तो फटाफट मैंने आलू और गोभी को बॉयल करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हॉट वाटर बैग है और मैं इसमें गर्म पानी भर रही हूँ। तो ये बहुत क्यूट सा एक हॉट वाटर बैग लिया था मैंने, ऐसे ही लोकल फ्ली मार्केट लगता है ना मॉल के नीचे वगैरह इधर उधर कहीं। तो ये 200 रुपये में मुझे दिया था, मैंने एक लिया था क्योंकि मेरे पास हॉट वाटर बैग नहीं है। क्योंकि घर में कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ता है आपको, जैसे कुछ सेकने के लिए, तो मैंने ये एक ले लिया था। फिलहाल मैं तो अपने हस्बैंड को के लिए ये कर रही हूँ क्योंकि उनके कमर में थोड़ा दर्द है, तो यहाँ पे वही उनको थोड़ा सेक रही हूँ और उनको ना बहुत गर्म लग रहा था तो मैंने वहाँ पे टॉवल रख दिया है ताकि उनको ज़्यादा गर्म ना लगे। तो बस इसके लिए यहाँ पे ये हॉट वाटर बैग तैयार किया था उनके कमर के लिए। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मंडे का दिन, टुडे इज 29th of January। और कैसे हैं, क्या चल रहा है आप लोग का? मैं तो थोड़ा सुस्त चल रही हूँ बट आज ठीक लग रहा है, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं था। और आज का व्लॉग 3 बजे आएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो सैटरडे संडे दोनों दिन का व्लॉग है, तो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बस आज अभी बज रहा है 1:15, खाना वगैरह बन गया है और मैं जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाता मैं जिम नहीं जा रही हूँ। और जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगा, मतलब भीख उतारा अंदर से थोड़ा कमज़ोरी लग रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार रिकवर कर लेते हैं फिर तभी जाएंगे, एक बार स्टार्ट करेंगे फिर से। तो आज बना है दाल चावल आलू गोभी का सब्ज़ी और बस ये सब बना है। और अभी शावर लेके मैं फ़िलहाल रेडी हो गई हूँ, शौर्य आएगा कुछ देर में, उसको नीचे लेने जाऊँगी और चल रहा है बस। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे मैंने एक सेटअप लगाया था शौर्य के लिए, उसके लिए टेबल और चेयर तो नहीं है बट मैंने टेबल लगा दिया था ताकि वो एक प्रॉपर पोस्चर में बैठ के लिखाई पढ़ाई करे। तो उससे बच्चों को एक क्या होता है कि एक पता चलता है कि इस तरह से बैठ के लिखना, क्योंकि स्कूल में तो ऐसे ही बैठ के लिखता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे घर पे भी इस तरह से रखूँ ताकि वो ऐसे बैठ के लिखे एक जगह पे। और फिर मैं ना आज एक थोड़ा एक प्रोजेक्ट पकड़ा था मैंने, तो ये प्रोजेक्ट क्या था, तो ये यूटिलिटी का मुझे थोड़ा सा चेंज करना था सेटअप, तो यहाँ पे उसी का काम चल रहा है। तो सबसे पहले ये जो रैक था ना, रैक आपने देखा होगा साइड में रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर कुछ कुछ सामान रखती थी मैं, तो इसको मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करके इसके ऊपर थोड़ा इसका जो हुलिया है इसको ठीक करूँगी, थोड़ा सा इस पर वॉलपेपर चिपकाऊँगी ताकि ये और सुंदर दिखे, क्योंकि इसमें कुछ दाग धब्बा लग गया है तो अब अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने एक वॉलपेपर सोचा है इसमें चिपकाने का। तो आगे आप देखते रहिए किस तरह से क्या क्या मैंने सेटअप किया और यूटिलिटी का ना पूरा जो नक्शा है ना वही एकदम चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा दिख रहा है अब और काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। तो मेरा मेन एम था कि यूटिलिटी को थोड़ा स्पेशियस बनाने का। टेबल को मैंने एक तरफ कर दिया क्योंकि बीच में ऐसे रखने से वो एक होता है ना स्पेस थोड़ा कम्बाइंड, मतलब थोड़ा सा भरा भरा दिख रहा था, बट अब इस तरह से सेटअप करने से ना तो बहुत खुला खुला दिख रहा है यूटिलिटी और थोड़ा स्पेस काफ़ी निकल के आ रहा है। कुछ और भी अगर आप कुछ रखना है तो वहाँ पे रख सकते हैं। तो बेसिकली यही एम था कि यूटिलिटी में थोड़ा चेंजेस करने का, तो बहुत दिन से मन था मेरा, तो आज मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। हालाँकि मैं बहुत ठीक नहीं थी बट फिर भी मैंने जो सोचा था मैंने सोचा कि ठीक है धीरे धीरे करते हैं, अभी थोड़ा सा एक काम करेंगे फिर धीरे धीरे अगर हिम्मत और हौसला रहा तो पूरा यूटिलिटी का एरिया चेंज करेंगे। और लेकिन हिम्मत और हौसला मेरे में था और तो मैंने पूरी तरह से उसको चेंज कर दिया। Thank you.
तो बस यहाँ पे जो वॉलपेपर लगा के इसका काया पलट किया, काफ़ी सुंदर लग रहा था और मेरे यूटिलिटी में जो मैंने पहले से ही वॉलपेपर लगाया था उससे मैच, मतलब एक्चुअली वही सेम ही था, तो इसीलिए मैंने ऐसा सेटअप लगाया कि वो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करे, अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे सामान था ना उसको मैंने इस रैक में सजा दिया ताकि वो ईज़िली मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे और इसको यहाँ पे मैंने अपना जो आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है ना वो भी यहाँ पे सजा के रख दिया है ताकि वो सामने मुझे मिल जाए। अगर मुझे कुछ बनाना है, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ चीज़ बनाना है, तो उसमें मुझे सामने मिल जाए और एक ही जगह पे मिल जाए। तो यहाँ पे सब मैंने इसीलिए ऐसा ही प्लान करके रखा था मैंने कि इसमें ये सब छोटे छोटे सामान रखूँगी ताकि वो सामने से मुझे दिखे और सामने से मुझे मतलब सारा चीज़ एक साथ मिल जाए। तो यहाँ पे छोटे छोटे सामान को मैंने रख दिया था और फिलहाल जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसको भी इधर उधर एडजस्ट कर दिया ताकि अभी फ़िलहाल मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था कौन सा सामान कहाँ रखूँ, तो मैंने अभी एडजस्ट करके रख दिया था। तो बेसिकली आज मैंने ये वाला एरिया होता है ना इसको थोड़ा सा अरेंज किया है, ये पहले इधर था, इस तरफ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ ये वाला चीज़ नीचे रखा हुआ था और उसमें बहुत सारा बेकार सा सामान था जो कि मैंने सब फेंक दिया। इस पे मैंने ये पहले ये वाला लगाया और उसके बाद यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टॉवल होता है किचन का वो रखा है और ये यहाँ पे ऐसे ही अभी रख दिया। यहाँ पे फ्रूट्स है तो ये सब बेसिकली थोड़ा बहुत सेट कर दिया है और यहाँ टिश्यू पेपर थोड़ा बहुत जो इधर था वो इधर रख दिया है और इसको ऊपर चढ़ा दिया, यहाँ पे इसको वायर को ऊपर रख दिया है और इस तरह से अरेंज कर दिया है। हालांकि यहाँ पे मैं कुछ रखूंगी ताकि ये कवर हो जाए ये जो वायर वाला एरिया है, बट फिलहाल इस तरह से चेंज करके थोड़ा सा जगह स्पेस काफ़ी निकल रहा है। ये वाला जो स्पेस एरिया है ना यहाँ पे अच्छा स्पेस निकल गया है, अभी क्लीन नहीं किया है, इतना सारा कचरा निकाला है, ये सब कल फेंकूंगी और पूरा यहाँ एरिया को क्लीन करूंगी कल और थोड़ा और साफ दिखेगा अब। तो जो सोचा था वो किया बट फिर भी अभी भी थोड़ा बाकी है कुछ कुछ करना, तो अभी ये ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस हो गया है, ये एरिया जो है ना ये पूरा एरिया। और उसके बाद यहाँ देखिए शाम में ये अपने टेबल कुर्सी को इतना प्यार से पसंद कर रहा था कि वहीं पे बैठ के वो आज पूरा दिन उसी पे बैठा और वहीं पे बैठ के खाना भी खाया, वहीं पे बैठ के अपना फ़ोन भी देखा। और ये चलिए शाम का टाइम हो गया था, फिर मैं अपने लिए चाय वगैरह बना के बैठी थी और उसके बाद जो मेरा सर का दर्द उठा, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना सर दर्द हुआ कि मुझे लेटना पड़ गया। और रात का खाना पति ने बनाया था, रात का खाना मैं बना था नूडल्स, तो मेरा सर तो ऐसा दर्द हुआ कि मुझे दवाई खाना पड़ गया। तो एक्चुअली मतलब वही है, तबीयत 3 दिन से ठीक नहीं चल रहा था और तीसरा दिन था, मैंने सोचा कि चलो ठीक हो गया, बट शाम तक होते होते मेरा सर बहुत दर्द देने लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने बना दिया था चाउमीन, फटाफट नूडल्स चाउमीन खाया मैंने और उसके बाद दवा खा के मैं सो गई। तो बस यही था आज का ब्लॉग, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है। चलिए गाइस, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।